सेवा सब भावना मेले का उद्घाटन जो पिछले 4 वर्ष पहले आज यहाँ छापर में शुरू हुआ था, एक विशाल रूप ले चुका है, जिसने छापर 13 द्वीप परिषद व बिरंजू ग्रुप छापर के संयुक्त तत्वाधान से कार्यक्रम शुरू हुआ था। आज ये पूरे छापर का कार्यक्रम बन चुका है। इसमें पूरे छापर की तरफ से बहुत सारे कपड़े, घरेलू उपयोगी सामान सभी परिवारों से आता है और जरूरतमंद परिवार इसको बड़ी खुशी के साथ लेकर के जाते हैं। इससे पूरे छापर का आशीर्वाद बना हुआ है और पिछले 4 वर्षों से कार्यक्रम चल रहा है और पूरे महीने भर चलेगा। पूरे छापर वासियों से निवेदन है कि इस कार्यक्रम में एक हिस्सेदार बने, अपने घर में कोई भी अनुपयोगी वस्तु जो आपको जीवन में कभी भी काम नहीं आनी है, चाहे कपड़े, जूते, मोबाइल, स्टेशनरी, कोई भी घरेलू उपयोगी सामान आपके घर में अनुपयोगी पड़ा हो तो यहाँ पर ला करके ऋषभ वाचनालय चोपड़ा बाजार में जमा करा दें। वह हमारे कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे और जो भी जरूरतमंद परिवार आपके नजर में हो उससे आप निवेदन कीजिए कि आप वहाँ जाकर के आपकी जरूरत का सामान बिना पैसे अपनी इच्छा अनुसार ला सकते हैं, ताकि ये कार्यक्रम सफल बन सके और ये जो नेकी का कार्यक्रम हमने प्रारंभ किया है छापर में काफी वर्षों तक चलता रहे और पूरे छापर में खुशहाली बनी रहे। जय हिंद, जय भारत। एक चमन जी, ये प्रोग्राम कितना दिन चलेगा? पूरे 1 महीने चलेगा। 16 जनवरी 2018 को आज यहाँ प्रारंभ हुआ है और 15 जनवरी 2019 को इसका समापन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा सद्भावना मेला आज दिनांक 16 दिसंबर 2018 से शुरू हो गया है। कोई भी गरीब आदमी यहाँ से कपड़े, गर्म कपड़े यहाँ से ले जा सकता है, ज़रूरत के चीज़ यहाँ से ले जा सकता है और किसी भाई के पास बेकार पड़ी है वो यहाँ पे देके जा सकता है, किसी गरीब के काम आए। सेवा सद्भावना मेला छापर में जो लाइब्रेरी है उसके अंदर उद्घाटन आज हुआ है। हर वर्ष ये मेला लगता है, सेवा सद्भावना मेला। आप जरूर आइए,